चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह साफ कर दिया है कि अब वो अपने देश में सेना के लिए और ज़्यादा हथियारों के लिए प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, साथ ही साथ उनके हथियारों में भारी बढ़ोतरी करेंगे। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी जो सेना है, आर्मी हो या फिर पीएलए हो, उनको वो हर तरीके के अत्याधुनिक हथियार से लैस करें, साथ ही साथ उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार हो। इसके लिए चीन लगातार अपने हथियारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। जिनपिंग ने पेइचिंग में एक सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की और कहा कि हथियारों के विकास में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही साथ सैन्य उपकरणों को भी और आगे ले जाया जाए। आपको बता दें कि शी जिनपिंग चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग यानी कि सीएमसी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य उपकरणों और हथियारों में लिप फ्रॉग डेवलपमेंट ने चीन की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार सीएमसी के उपाध्यक्ष झांग युक्सिया ने कहा है कि तकनीक के क्षेत्र में चीन को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, साथ ही आधुनिकीकरण में तेजी लाने और विश्व स्तरीय सेना बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। इस महीने के शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि चीन ने अगस्त में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और इस परीक्षण के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता को, अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। कभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करता है तो कभी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने यहाँ कोई नया हथियार बना लेता है। आपको बता दें कि जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ है उसकी क्षमता और तकनीक ने सबको हैरान कर दिया है। एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि परीक्षण से पता चला है कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों पर आश्चर्यजनक प्रगति की है, जो अमेरिकी हथियारों से ज़्यादा उन्नत है। कुछ दिनों पहले ही चीन ने दूसरी बार अंतरिक्ष में तबाही मचाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन की ये महाविनाशक मिसाइल परमाणु बम गिराने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल धरती पर मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे देगी और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो मिसाइल है वो सीधे रास्ते पर नहीं जाती, इसका कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता है, बल्कि अपने रास्ते बदलते रहती है और जिगजैग पाथ में ये अपने टारगेट को हिट करती है। सबसे खास बात इस मिसाइल की ये भी है कि ये मिसाइल जो है अपने लक्ष्य को, जब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद भी इसके लक्ष्य को बदल सकते हैं, यानी कि जब हम इसको छोड़ रहे होंगे उसके बाद भी हम अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ है इस मिसाइल में जो कि इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाता है और दुनिया के दो बड़े देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता ही बनाता है, और वो है इसकी जो क्षमता है वो इसे दुनिया में सबसे खतरनाक बनाती है।